फिरोजाबाद जिले की राजनीति का सर्दी के मौसम में एक बार फिर पारा हाई उस वक्त हो गया जब बसपा सुप्रीमो ने ऐन वक्त पर अपना प्रत्याशी बदल दिया। सदर सीट से बबलू सिंह गोल्डी की टिकट कटने के बाद समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और पूरा ठीकरा बीजेपी प्रत्याशी विधायक मनीष असीजा पर फोड़ दिया और रोते बिलखते अपना दर्द जनता के बीच रखा। हंगामा और नारेबाजी करते लोग हैं बबलू सिंह गोल्डी के समर्थक। देर रात बसपा सदर सीट से टिकट काटे जाने से नाराज बबलू सिंह के समर्थक सड़कों पर उतरकर सिटिंग विधायक मनीष असीजा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टिकट कटवाने का पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। इतना ही नहीं, जनता के बीच फूट फूट कर रोकर अपना दुखड़ा लेकर जनता के बीच पहुंचे। बबलू सिंह गोल्डी का कहना है, बसपा पार्टी में 20 वर्ष से कार्य किया, पार्टी और बहन जी ने उनको और उनकी समाज के साथ धोखा किया है, पेट में खंजर भोका है। मैं और मेरा परिवार बसपा के खिलाफ है और कोई भी बसपा में वोट नहीं डालेगा। जो यहाँ का 150 वोट वाला विधायक हमेशा मेरे समाज को ठगने का काम करता था, आज इस समाज के बच्चे ने जब हिम्मत जुटाई और एक दल से टिकट लाया तो उस दल के दलालों को खरीद कर उन्होंने मुझे मेरा टिकट कटवा दिया और कटवाने के बाद मेरे समाज को अनाथ कर दिया। दोबारा से जो समाज के अंदर क्रांति थी उसको उन्होंने फिर बांधकर गुमराह करने का काम किया है। मेरा समाज मुझसे कह रहा है, मैं अब चुनाव मेरा समाज कह रहा है चीख चीख के कि हम इसका बदला जरूर लेंगे और मैं कल 2 बजे अचल पैलेस में मीटिंग करूंगा और समाज के सामने सारी बातें कहूंगा कि मुझे अब क्या करना है, उससे पहले मैं कुछ नहीं करेगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।